नमस्कार, एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या के चैनल नंबर 10 के जरिए। इसके अलावा बहुत से माध्यम हैं जिनके जरिए आप सभी हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। और दर्शकों, आपको बता दें कि आधे घंटे का यह गणित यानी मैथमेटिक्स का सत्र रहेगा, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 3। यानी इससे पहले हम दो पार्ट, दो वीडियोस इसी विषय पर कंडक्ट कर चुके हैं आप सभी के लिए। यदि आपने वो वीडियोस किसी भी कारणवश नहीं देखी तो एनसीईआरटी ऑफिशियल यानी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज पार्ट 3 पर अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मैं आपका परिचय करवाती हूँ हमारे मेहमान से। हमारे साथ जुड़ी हैं मिस सविता ग्राग जी। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार सिमरन और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैम कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और दर्शकों, इस पूरे सत्र के अंतर्गत जो भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 8800440559। एक आधिकारिक ईमेल आईडी है कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए, dth.class10@cit.nic.in। तो बिना विलंब करें अपने इस कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और मैम, पार्ट 3 पर आज हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार उसे रिकैपिटुलेट कर लेते हैं हम। जी बिल्कुल सिमरन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है लीनियर इक्वेशंस कहते कि नहीं है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस means जब एक ही क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस पैरेलली गिवन हो, the graphical representation of the linear equations, यानी जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसे ग्राफिकली ग्राफ पर हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ पर प्रेजेंट करने के साथ साथ जब आपने दो इक्वेशंस को या एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर लोकेट किया, शो किया, तो उन दोनों इक्वेशंस के तीन केसेस पॉसिबल हैं। आइदर बोथ ऑफ दी लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और दीज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दीज विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। सो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो डेफिनेटली देर विल बी नो सॉल्यूशन एज हेयर इट इज मेंशनड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। एंड इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस इन दैट केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। और अगर हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन, मींस अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पर कट करती हैं, इन दैट केस हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। और मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन भी किया, जिक्र भी किया। एंड द नेक्स्ट इज अलजेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डियर व्यूअर्स, वी विल डिस्कस अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। सो लेट अस डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ वी टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपको कोई ना कोई चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, किसी के प्लेस पर कुछ और पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर स्टेप्स भी गिवन है। वी विल हैव टू राइट द गिवन इक्वेशंस। जैसे हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो गिवन है ये क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज डेफिनेटली, यहाँ पर हमने सिर्फ a2, b2 और c2 लिए हैं इन प्लेस ऑफ द कॉफिशियंट्स एज वी हैव टेकन इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा पॉसिबल है कि कोई दो इक्वेशंस में कोई भी, या तो x का वेरिएबल या तो y का वेरिएबल बिल्कुल सेम, कॉफिशियंट बिल्कुल सेम है, यानी x वेरिएबल का कॉफिशियंट या y वेरिएबल का कॉफिशियंट आपका हो सकता है कि किन्हीं दो इक्वेशंस में सेम हो, लेकिन हम यहाँ पर a1, b1, c1 and a2, b2, c2 टोटली डिफरेंट आपको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं इन कॉफिशियंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स को। मीन्स दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द जनरल लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 कॉफिशियंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर नॉट द वेरिएबल्स, देर आर ओनली टू वेरिएबल्स x एंड y। ऑल राइट, सो हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन, और उसी की हेल्प से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सब्स्टिट्यूशन।
जैसा कि आप यहाँ स्टेप टू में देख सकते हैं, वी विल हैव टू चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस. दैट इक्वेशन कैन बी द फर्स्ट, दैट इक्वेशन कैन बी द सेकेंड वन, बट वी विल हैव टू चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस एंड एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. जो भी इक्वेशन हमने चूज की, उस इक्वेशन में आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, या फिर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ वाई एज इट हैज बीन रिटन हियर इन द ब्रैकेट ऑल्सो. ओके, यानी मेन एम हमारा क्या है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. जो भी हमारे लिए इजी होगा, द सेम वे वी विल प्रोसीड अहेड. देन जो भी वो वैल्यू आपकी निकली है, जैसे आपने वाई की वैल्यू कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ एक्स, उस ऑब्टेन्ड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर टू, इन द सेकेंड इक्वेशन. ऑल राइट, सो इसको हम जितना अभी डिस्कस किया एक क्वेश्चन की हेल्प से, साथ साथ स्टेप्स को देखते हैं सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना. हेयर इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं एज इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हेयर इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 5 एंड इन द सेकेंड इक्वेशन द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज 10. सो अगर आप लेफ्ट साइड पर लिखते हो, दीज विल बी नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव 10, यानी C1 की वैल्यू है नेगेटिव 5 और C2 की वैल्यू है नेगेटिव 10. सो फोकस ये करना है कि या तो दोनों ही कॉन्स्टेंट वैल्यूज राइट साइड पर होंगी या दोनों ही इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट वैल्यूज लेफ्ट साइड पर होंगे. ओके, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन से आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स का जो कॉफिशियंट है दैट इज 1. सो आई एम एबल टू गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दैट एक्स इक्वल्स टू 5 - 2y. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल सिंपली पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. आपने जैसे ही इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है तो इन प्लेस ऑफ एक्स इट वॉज 3x, तो एक्स के प्लेस पर ही आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो इट इज 5 - 2 × y, देन प्लस यू विल हैव टू राइट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन एज सच. बाकी सभी टर्म्स जैसे हैं एज इट इज लिखनी है. सो वी आर एबल टू गेट फ्रॉम हियर दैट 6 times y equals 10 - 15. From here, easily we can say that y equals -5/6. क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू y की फॉर्म में कैलकुलेट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट की, और जैसे ही आपके पास ये पुट हो जाती है वैल्यू, यू आर एबल टू गेट जस्ट अ सिंगल इक्वेशन दैट इज इन अ सिंगल वेरिएबल y. तो y की वैल्यू जैसे ही हमने कैलकुलेट की, अब देखिए आप पर डिपेंड करता है, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 2 और इन द इक्वेशन नंबर 3. ऑल राइट, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. लेट मी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. So I am able to get that x equals 5 - 2 - -5/6. That means I am able to get 5 + 5/3. And as a result, we are able to get here that the value of x is 20/3. By taking the LCM, 3 is the LCM, so 15 + 5 = 20. That means the value of x is 20/3. Dear viewers, these are the required values of x and y. If you want to check के आपका जो ये answer निकला है value of y and the value of x, these are correct values or not. So आपके पास verification के लिए एक simple method है, और वो method क्या है, आप x और y की obtained values को अपनी equation में put कर सकते हैं. As soon as you will put these values in your equation, you will be find कि आपकी left और right hand sides equal आ रही हैं, और अगर ये sides equal होंगी, that means आपका question ठीक है, आपने x और y की value को सही से calculate की है. Let us check. मैं first या second किसी भी एक equation में अपनी values put करती हूँ. So this is x plus 2 × y. I simply put the value of x which is here 20/3. And the value of y which is -5/6 and my right hand side is 5. So let us check क्या left side को solve करने पर भी 5 आपके पास आ रहा है या नहीं.
So you are able to get 15 upon 3 on your right left hand side, which is definitely equals to 5, which is your right hand side. So that means the values of x and y are most probably correct. कई बार हो सकता है आप वेरिफिकेशन पार्ट में भी कोई मिस्टेक कर दें, या आपकी वैल्यूज ही कुछ एक्स और वाई में दोनों जगह इस तरह की मिस्टेक हुई है कि वेरिफिकेशन आपको लग रहा है कि ठीक है, बट आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड 99.9% वेरिफिकेशन पार्ट अगर ठीक है यानी आपका आंसर बिल्कुल ठीक. और मैम अक्सर जब इस तरह के बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं? जी सिमरन बिल्कुल, अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि किस तरह की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं. एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी हेल्प से मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ. जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में हम देख सकते हैं अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी नेगेटिव रूट 3y एंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स रूट टू दैट विल बी इन द डिवीजन. बट स्टूडेंट समटाइम्स इसको बिल्कुल उल्टा लिख देते हैं, दे राइट इट एज एक्स इक्वल्स नेगेटिव रूट टू वाई डिवाइडेड बाय रूट थ्री. सो दे डू अ सिंपल मिस्टेक, बट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद का पूरा ही क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स का बिल्कुल गलत हो जाता है. तो हमारे व्यूअर्स एक और तरह की मिस्टेक यहाँ करते हैं. यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स. वो क्या मिस्टेक है? उन्हें लगता है कि रूट टू एक्स प्लस वाई, ऐसी मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. सी द मिस्टेक, वाई का कॉफिशियंट था रूट थ्री और हमारे व्यूअर्स ने क्या किया, रूट थ्री को बीच में से निकाल कर जीरो के डिवाइड में ले जाकर रख दिया एंड दे राइट इट एज जीरो एंड दे राइट इट एज दिस. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दिस एंड दिस आर डेफिनेटली रॉन्ग. हमारे व्यूअर्स को इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी. आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कि जीरो अपॉन रूट थ्री लिख देते हैं, तो डियर व्यूअर्स कोई भी ऐसा आपके कांस्टेंट वैल्यू जो कॉमन नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में से, वो आपकी राइट हैंड साइड पर नहीं जा सकती. यानी अगर रूट थ्री वाई और एक्स दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होता ओनली देन आप रूट थ्री को पहले ड्रैग कर सकते थे. Otherwise, you will simply write it as root 2x equals negative root 3y or 0 minus root 3y. So 0 will be eliminated. Thus, this root 2 is going now on that direction. तो ये 0 की divide में नहीं जा रहा, ये कहाँ जा रहा है? Root 3y and its denominator will be root 2. Now our viewers will put this value in either in equation number 2. आपके पास चॉइस नहीं है कि आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करें. आपको फोकस कहाँ करना है कि अगर आपने एक्स की वैल्यू, ये नेक्स्ट टाइप की मिस्टेक है जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखी उसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं. अगर व्यूअर्स आप ऐसा करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे बल्कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे. ऑलराइट, तो ये फोकस करना है कि जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की आपको उससे दूसरी जो इक्वेशन है वहाँ वो वैल्यू पुट करनी है. सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. बट वी आर गेटिंग रूट थ्री इन टू इन प्लेस ऑफ एक्स, डेफिनेटली the value of x which is calculated here in equation number 3rd plus it is negative root 8y, so plus will not be there, negative root 8y equals to 0, which is giving you negative 3 upon root 2y minus root 8y. अब आप देख सकते हैं कि y is the only variable here. आप चाहें तो y को कॉमन ले सकते हैं और आपके पास अंदर जो वैल्यू बचती है दैट इज सिंपली दिस. इफ यू वांट आप रूट एट टू को एलसीएम लेके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्ले स्मार्टली फ्रॉम हियर, क्योंकि y और ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कंप्लीट वैल्यू जीरो के डिवाइड में अभी जा सकती है. सो यू आर एबल टू गेट फ्रॉम हियर दैट y इज इक्वल टू जीरो.
एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल बी पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड. अगर आप वाई के प्लेस पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, y इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, सो x इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जीरो, सो द आंसर ऑफ x विल ऑल्सो बी जीरो. मीन्स इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर जीरो. ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मैथड. क्वेश्चन इज सेम लेकिन मैथड अलग है. हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मैथड, वी हैव डिस्कस्ड सब्स्टिट्यूशन मैथड, एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैथड ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन से पहले वैल्यू नहीं निकालनी किसी भी वेरिएबल की, बल्कि बोथ ऑफ द इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है और हमें इक्वेट करना है द कोफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स. फोकस करेंगे दोनों में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में द वेरिएबल एक्स इज हैविंग द कोफिशिएंट रूट टू, एंड इन द सेकेंड इक्वेशन एक्स का जो कॉफिशियंट है दैट इज रूट थ्री. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, हेयर इज इक्वेशन नंबर टू. आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड को रूट टू से. लेट अस फोकस अगेन, क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करना है. मैंने यहाँ पर वेरिएबल एक्स को टारगेट किया और अभी हमारा काम है कि बोथ ऑफ द इक्वेशंस में वेरिएबल एक्स के कॉफिशियंट्स इक्वल हो जाएं. तो उन्हें इक्वल करने के लिए हम देखते हैं वो वेरिएबल्स, वो एक्स वेरिएबल के जो कॉफिशियंट्स हैं वो क्या हैं. दीज आर रूट टू एंड रूट थ्री. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर टू और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बाय द कॉफिशियंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन. दैट मीन्स रूट थ्री एंड रूट टू. So what your first equation is becoming? Root 6 into x plus root 3 multiplied by root 3 is giving you simply 3, because it's root 3 square which becomes 3 equals to 0 multiplied by something is 0. Isi tarah se in equation number 2, root 6x minus root 8 multiplied by root 2. Definitely you are getting root 16, which can also be written as 4. बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का. अभी देखिए एक और चीज पर फोकस करना है, दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट्स को न्यूमेरिकली इक्वल करना है. यानी अगर साइन अलग अलग भी होंगे तो चलेगा. डेफिनेटली हमने अभी जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर साइन सेम आ रहे हैं. यू आर गेटिंग इन बोथ ऑफ द इक्वेशंस रूट सिक्स एक्स एंड रूट सिक्स एक्स. तो अगर सेम साइन आते हैं उस वेरिएबल के जिसके कॉफिशियंट्स को हमने इक्वल बनाया, इन दैट केस आप अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है दैट द साइंस ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑल द टर्म्स इन इक्वेशन नंबर फोर्थ विल बी चेंज्ड. जैसे ही ये साइन चेंज हो रहे हैं डियर व्यूअर्स, आप सिंपली देख सकते हैं दैट रूट सिक्स एक्स नेगेटिव रूट सिक्स एक्स आर कैंसिलेबल, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. यू आर गेटिंग अ जीरो फ्रॉम देयर और आपके पास आ रहा है 7y. हाउ इज इट 7y? 3y प्लस 4y. सो यू आर एबल टू गेट y इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 और y इक्वल्स टू 0. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, यू विल बी एबल टू गेट x to be 0. This is the method of elimination. Okay? Let us proceed ahead. Ma'am, this we will make it the last question of the session and I'll request you to please discuss it very quickly. Ji, bilkul, all right. And definitely with this question and with one more case study based question, the session will be over, even this topic will be over. So let us proceed ahead. Kya keh raha hai question hame? Solve for x and y. Aapke paas is bar jo वेरिएबल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर ऑल्सो ए एंड बी. ओके, मीन्स अननोन कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं. सो आप सिंपली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेट अस इक्वेट द कॉफिशियंट्स ऑफ द वेरिएबल वाई दिस टाइम. सो यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय ए द वेरिएबल्स वाई इज कॉफिशियंट इन द सेकेंड इक्वेशन और आप सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय बी. सो वट यू आर गेटिंग, the first equation is becoming a square x plus a b y equals a c.
and the second equation is b square x plus aby equals b plus bc. From here, जैसे ही आप subtract करते हैं दोनों equations को, क्योंकि आपके पास signs equal हैं, same हैं, you are able to get that a square minus b square into x equals ac negative b negative bc. So, आपको यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू मिल रही है ac minus b minus bc and it whole is divided by a square minus b square. Simply x की ये वैल्यू आप जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ y. देर इज वन मोर क्वेश्चन विच आई वुड लाइक आर व्यूअर्स टू सॉल्व ऑन देयर ऑन. ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉफिशियंट्स हैं x और y के, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं. सो आप सबसे पहले LCM ले लीजिएगा सो दैट आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाए. द फर्स्ट इक्वेशन इज नाउ बिकमिंग 3x plus 4y equals negative 6. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन विल ऑल्सो बी चेंज्ड. Here's the next question. Ma'am, I believe that our viewers can take this question by themselves. They can take a screenshot of this and they can try and solve this question to us at dth.class10@cit.nic.in. Well, we would have loved to continue the program, but due to paucity of time, we will have to wrap it up here itself. Thank you so much, Sarita ma'am, for connecting with us in this conversation. Thank you, Simran. मैं चाहूँगी कि एक question जो screen पर है, ये भी हमारे viewers जरूर solve करें. और वो जब सॉल्व करते हैं तो हमसे शेयर करें, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमसे जरूर शेयर करें. दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए. साथ ही दर्शकों को बता दें कि अगला सत्र रहेगा सोशल साइंस का कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए और जो विषय हम पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंजेस ऑफ रिफॉर्म्स. तो इसी विषय पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अगले सत्र में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे. तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ. नमस्कार.